नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टीना राठौड़ और पीआरजी की टीम की तरफ से हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। आप सभी दर्शकों ने ढेर सारा प्यार जीवन दर्पण को दिया, खूब सराहा। हम आशा करते हैं आगे ही इसी तरीके से ये प्यार आपका हमारे ऊपर बनाए रखेंगे और ऐसे ही हमारे काम को सराहते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है रंगकर्मी नवीन जी बोराना। आइए उनसे करते हैं बातचीत, उनके मन की बात जानते हैं। सर, पीआरजी स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक बिजनेस पर्सनालिटी होने के नाते थिएटर की तरफ से रुझान कैसे हुआ आपका? सबसे पहले तो दर्शकों को प्रणाम, पीआरजी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि बिजनेस ही नहीं, खेतीबाड़ी भी करते हम लोग। मेरे फादर फार्मर थे, किसान थे शुरू से, इवन आज भी कर रहे हैं खेतीबाड़ी। और बिजनेस तो ज़रूरत थी कि वो करना ही है जी, क्योंकि खेतीबाड़ी में बारिश पे डिपेंड रहना पड़ता है जी। कई बार फसल नहीं होती है तो गांव में भी देखा है हमने कि एक ही परिवार में चार बच्चे हैं तो दो बच्चे बिजनेस में चले जाते हैं, ताकि सारा खेती पे डिपेंड नहीं रहे। और रही बात एक्टिंग की, तो मेरे फादर, मेरे पिताजी बचपन से शौक रखते थे एक्टिंग करने का। आज की तारीख में ऑडिशंस होते हैं, उस ज़माने में स्क्रीन टेस्ट होते थे। पिताजी को शौक था, पिताजी दोस्तों के कहने से मुंबई भी गए जी। उन्होंने स्क्रीन टेस्ट भी दिया, मौका मिला है, तो मौका मिलता भी नहीं है कई लोगों को जी। मौका मिला, स्क्रीन टेस्ट दिया, हो सकता है कोई कमी रह गई हो तो, नहीं हुआ। और कहते हैं कि पेरेंट्स के गुण बच्चों में आ ही जाते हैं, तो पिताजी के गुण मुझ में आए। और मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग करने का, स्कूल में था कुछ नाटक लिखता, फिर स्टेज पे करता, कुछ दोस्तों को इकट्ठा करता। दोस्त सीरियस नहीं होते थे क्योंकि एक्टिंग का जुनून तो मुझ में है, मैं अपने डायलॉग पूरे बोलता, वो लोग भूल जाते जी, फिर डांट पड़ती। लेकिन मैं बेशर्मों की तरह करते रहा, करते रहा। अच्छा अच्छा मौका मिला मुझे, एक बार सरदार स्कूल में पढ़ता था तब, ड्रामा में मुझे एक मोनो एक्टिंग करने का जी। जब वहाँ मैंने एक्ट किया तो बहुत तारीफ की लोगों ने, क्योंकि बड़ा स्कूल, बड़े बच्चे, बड़े लोग, काफ़ी प्रिंसिपल ने तारीफ की। जब इतनी सारी तारीफ सुन के मुझे लगा यार एक्टिंग तो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से कोशिश कर रहा था लेकिन किसी ने सराहा नहीं जी। डांट ही डांट पड़ती थी जी। घर से डांट इसलिए नहीं पड़ती थी कि पेरेंट्स, मेरे पापा पहले से इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड थे ही, तो उनको अच्छा लगता था जी। उनको कहीं ना कहीं मन में लग रहा था जो मैं नहीं कर सका शायद ये करे जी। लेकिन मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था जी। इसी दौरान कॉलेज में आ गए, गाने का शौक था, लंबा जुखाम होने से गाने का शौक भी खत्म हो गया, आवाज़ चली गई, खराब हो गई जी, तो गा नहीं सका। तो ठीक है, एक्टिंग तो कर ही रहे। फिर कॉलेज में आए, कॉलेज में आए तब कुछ दोस्तों ने ऐसे ही चढ़ाया कि यार बड़ा सुंदर दिखता है, हैंडसम लगता है। वो ज़माना था जब हैंडसम लोगों को फिल्मों में हीरो का रोल ज़्यादा मिलता था जी। आज चेहरा मैटर नहीं करता, टैलेंट, हाँ टैलेंट होना चाहिए। कैसा भी चेहरा हो, कैसा भी शरीर हो, अगर अच्छा एक्टर है तो उसको चांस मिलता है जी। तो दोस्तों ने चढ़ाया और बोले यार फोटोग्राफ का एक कंपटीशन चल रहा है, झनकार 95 की बात है जी। 95 में वो झनकार 95 चल रहा है, अपने फोटोग्राफ वहाँ देंगे तो वहाँ पे वो मिस्टर फोटोजेनिक का कुछ ऐसा है। कहने से चले गए, फ़ोटो खिंचवाए, जमा भी करवा दिए। रिजल्ट का आस इसलिए नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं था, कि मुझे लग नहीं रहा था ऐसा कुछ होगा, कॉलेज में ऐसे ही कर रहे होंगे जी। रोज़ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, एक दिन न्यूज़पेपर खोला जी, उसमें न्यूज़ देखी, मिस्टर फोटोजेनिक जी, और अपना नाम उस समय अखबार में अपना नाम पढ़ना 95 में जी, और वो भी आपको प्राइज मिल रहा है, मिस्टर फोटोजेनिक का अवार्ड मिल रहा है, बहुत खुश हो गया जी। उस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। उसके बाद तो लगने भी लगा कि हाँ मैं सुंदर दिखता हूँ, कुछ जी कुछ चांस मिलेगा हीरो का। आज की तारीख में सोचते हैं कि हीरो का चांस तो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, कौन पैसा लगाएगा, जो पैसा लगाएगा वही करेगा। टैलेंट मैटर करता है लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद, बहुत सारा स्ट्रगल है। जब हम शुरू से करता है, स्कूल में करते रहे, फिर किसी दौरान फैमिली में कोई प्रॉब्लम होने से मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में ड्रामा बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा था। अब जिसको जो ढूंढना होता है वो कहीं से ढूंढ ही लेता है। मुझे किसी तरह ड्रामा डिवीज़न के कुछ लोग मिल गए, NSDN मिल गए, दिल्ली में ड्रामा बहुत होता था। तो वहाँ पे हमारे एक गुरु थे चित्रंजन त्रिपाठी, उन्होंने एक बार मुझे अपने ड्रामा में चांस दिया। कमबख्त इश्क करके एक उनका ड्रामा था,
वो उनके कई सारे शो किए, उसमें मुझे मेरा एक्टिंग करियर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, ऐसा लगने लगा मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैं वहाँ बिजनेस भी कर रहा था, शाम को शाम को हम रिहर्सल करते, NSDN आ जाते। वो डायरेक्टर इस तरह के थे कि डांटना और गलती करने पे कुछ भी बोल देना, वो अंदर से ऐसा लगता था कि इस बार गलती की तो फिर बोलेंगे, तो अपने आप को सुधारते गए। वो मेरे एक्टिंग करियर में काफ़ी सपोर्टिव रहा। इस दौरान दोबारा वापस आना पड़ा, जोधपुर आए तो हमारे मित्र हैं अजय सिंह जी गहलोत, आप भी हैं ही हैं तो आप सब लोगों ने सपोर्ट किया और मुझे टाउन हॉल से जोड़ा। टाउन हॉल में ड्रामा काफ़ी अच्छा होता है और हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी और डायरेक्टर दलपत परिहार का नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पहली फिल्म में मौका दिया राजा मोरध्वज में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको हीरो लेना चाहते हैं। अब किसको खुशी नहीं होगी, बहुत खुश हुआ। और राजा मोरध्वज की शूटिंग चालू हुई, राजन एम्पलीफायर राजन जी पवार भी थे उनके साथ, और फिल्म रिलीज हुई, फिल्म देखी। उस समय मुझे लगा मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा हूँ। आज मैं वो देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं क्या एक्टिंग करता था आज और उसमें कितना फ़र्क है। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ कोई एक्टर को अच्छा काम मिलने लगता है लगातार, तो जैसे नदी में गोल पत्थर घूमते 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 गोल हो ही जाता है, वैसे एक कलाकार को बार बार मौका मिलता है ड्रामा करने का, एक्टिंग करने का, तो वो धीरे 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 अपनी गलतियाँ सुधारने लगता है और वो एक दिन अच्छा एक्टर बन ही जाता है। और ये तो जीवन चक्र है, चलता रहेगा। और सक्सेस तो कुछ है नहीं, हमको हर बार लगता है हम इस बार अच्छा करेंगे, हर एक्टिंग के बाद लगता है हम इसको और अच्छा कर सकते थे, और सीखते रहते हैं। एक्टिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखा, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो बहुत बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं कि आप दिनचर्या में आपको कई सारे लोग मिलते हैं, हम उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है धोबी मिले, हो सकता है स्वीपर मिले, झाड़ू लगाता हुआ हरिजन मिले, जो कचरा सफाई कर रहा है वो मिले, कोई ऐसे लोग मुझे छोटे से लेके बड़े तबके तक, बड़ा बिजनेसमैन मिले, हो सकता है बड़ा एक्टर भी मिले, क्योंकि हम कई जनों के साथ काम करते हैं, उनके हाव भाव, उनके बात करने के तरीके, वो हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं। और जो लोग हमसे बात करते हैं उनसे हम जब उनकी एक या दो शब्द सुनते हैं और हमें पता लग जाता है कि कहाँ का रहने वाला होगा, क्योंकि बोली में टोन आ ही जाता है। मुझ में भी बहुत आया था माफ़ी चाहूँगा। फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ते चले गए और जोधपुर में ड्रामा करते करते एक्टिंग का थोड़ा थोड़ा दोस्तों ने जो सिखाया वो आने लगा जी। इस दौरान पता लगा कि जोधपुर में मुंबई से जो लोग शूटिंग करने आते हैं वो छोटे कैरेक्टर के लिए जोधपुर में ही कास्ट कर लेते हैं। वो ड्रामा के डिवीजन के, ड्रामा के जो आर्टिस्ट हैं उनको पूछते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, ड्रामा का जो आर्टिस्ट होता है वो कभी फेल नहीं होता, कैसा भी कैरेक्टर दो निकाल ही देता है जी। क्योंकि वो बहुत सारे रिहर्सल करता है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करता है, तो किसी तरह निकाल ही देता है। तो ये लोग जब कास्टिंग करते हैं मुंबई से आने वाले लोग, यहाँ आने के बाद उनका कास्टिंग डायरेक्टर ड्रामा वाले को कॉन्टेक्ट करता है कि यार आपके ड्रामा के कोई आर्टिस्ट हो तो वो हमें मिलवाओ। फिर वो अपने फिल्म में उनको छोटे छोटे कैरेक्टर के लिए फाइनल करता है। किसी की किस्मत अच्छी हो और वो छोटे कैरेक्टर के लिए ऑडिशन कर रहा है और कास्टिंग डायरेक्टर के पास एक ऑप्शन है अच्छा सा कि यार एक बड़ा रोल भी है जिसको हमने मुंबई में किसी को फाइनल कर रखा है, लेकिन हमको यहाँ पे जोधपुर में एक अच्छा आर्टिस्ट मिल गया, उसको ले कि नहीं ले, ऐसा लग रहा है उसको मुंबई से नहीं बोला और इसको यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि हमको बैकग्राउंड राजस्थानी है जी। फिल्म का भले हिंदी फिल्म है लेकिन अगर टोन राजस्थानी ही ओरिजिनली मिल रहा है तो हम शायद इस आर्टिस्ट को ले लें, तो वो हमें मौका देते थे। इस तरह जब भी ऑडिशन होता सिलेक्शन होने लगा। अब सिलेक्शन होता है छोटे मोटे रोल मिलने लगे, बड़ी फिल्म होती छोटा रोल मिलता, छोटी फिल्म होती बड़ा रोल मिलता, तो खुशी होने लगी जी। फिर किसी तरह टीवी में आने लगे, कोई सीरियल में आ गए। फिर एक बार सहारा वन पे सीरियल आया था, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, जैसलमेर में शूटिंग किया। उसके बाद उन लोगों का कुछ पोर्शन, मेरा सीन का कुछ पोर्शन मुंबई में शूट होना था जी। तो अच्छा हुआ, मौका तो ढूंढ ही रहे थे मुंबई जाए कैसे जी। उन लोगों ने बुलाया जी। तो मैंने परिवार से बात की कि एक बार मुझे ट्राई करनी चाहिए, शायद मुझे अच्छा मौका मिले, क्योंकि यहाँ छोटे रोल मिलते हैं, मुंबई में बड़े रोल मिलेंगे जी, क्योंकि मार्केट है। बिल्कुल ठीक है, पिताजी ने सपोर्ट किया, मैं दो बच्चों का बाप हूँ, वाइफ भी है, तो वो मुझे सपोर्ट करने लगे कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए, आपके मन में रह जाएगा। ठीक है चलो मुंबई जाते हैं। मुंबई गए, जिस सीरियल का यहाँ काम अधूरा था वो तो किया ही, साथ साथ स्ट्रगल करना शुरू किया। रोज़ सुबह उठते, कुछ एक्सरसाइज करते,
चाहे बारिश आ रही हो, मुंबई में बारिश का तो रहता ही है जी, बिल्कुल बारिश आ रही हो, कैसी गर्मी पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, हमें ऑडिशन देने जाना है। स्टूडियो स्टूडियो घूमते, उस समय मैं 2010 में गया था, उस समय व्हाट्सएप इतना नहीं चलता था, मैसेज के थ्रू दोस्तों से मैसेज आता था, आज फलाना स्टूडियो में ऑडिशन है, फलाना में ये है। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि उस समय टीवी सीरियल वालों को फिल्मों में काम कम मिलता था जी, एड में जो काम करते उनको फिल्म वाले जल्दी ले लेते थे जी। मुझे ऐसा लगा कि एक 20 से 25 सेकंड का एड जिसमें वो पूरी कहानी देते थे तो उसमें शायद एक्ट ज़्यादा होता होगा जी, तो फिल्म वाले उनको ज़्यादा पसंद करते थे जी। तो मैं जहाँ जहाँ एड के ऑडिशंस होते थे वहाँ घूमता, सर मुझे ले लीजिए, मुझे वो लोग ऑडिशन करते, मुझे ऑडिशन देने का मौका मिलता और शॉर्ट लिस्ट होने लगा। शॉर्ट लिस्ट होने लगा, मैंने कहा अच्छा सिग्नल है, काम मिलने लगेगा। लेकिन एक दो बार शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फ़ोन नहीं आया, फिर मैंने कहा चलो और प्रयास करते हैं। मेरे जोधपुर के मित्र हैं मनीष दवे, तो वो मुंबई रहते हैं, ईटीवी राजस्थान में काम करते थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी दोस्तों से मिलाया जो फिल्मों में पहले से काम कर रहे हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया। मेरे लायक कोई रोल होता था तो मुझे वो ज़रूर इन्फॉर्म करते थे, मैं जाके ऑडिशन देता। फिर धीरे धीरे मुझे एक छोटा रोल, फिर थोड़ा बड़ा रोल, फिर CID, क्राइम पेट्रोल, भाग्य विधाता और आहट, इस तरह करीब 20 के आसपास मैंने सीरियल की टीवी में, रंग बदलती ओढ़नी जी, इस तरह काफ़ी टीवी सीरियल मिले। तो टीवी सीरियल के साथ साथ मैं जब ऐड के ऑडिशन दे रहा हूँ तो ऐड के लिए मुझे पीयरलेस म्यूचुअल फंड का ऐड मिला, फिर LIC का मिला, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का मिला, इस तरह मुझे ऐड मिलने लगे। इस दौरान मुझे एक अच्छा ऐड का ऑफर आया, जैसे सब ऑडिशन देते हैं, मैंने भी ऑडिशन दिया था, भीड़ थी काफ़ी, किसका ऑडिशन चल रहा है, तो बताया कि भाई IPL मुंबई इंडियन का सचिन तेंदुलकर के साथ सीन होगा, वो ऐड चल रहा है। अब सचिन के साथ मिलने का मौका ही नहीं मिला कभी, तो उसके साथ काम करने का कैसे मिलेगा, फिर भी ऑडिशन दिया। ऑडिशन में वो लोग बोले आपको कोई डायलॉग नहीं बोलना है, सिर्फ नाच के दिखाना है। मैंने कहा कोई पर्टिकुलर नाच है, कोई कथक वत्थक? बोले नहीं, जैसा मर्जी आए नाचो। अब अपन ने फ्री स्टाइल नाच दिया, जो भी नाचो, नाच के आ गए। जोधपुर की तरफ आ रहा था मुंबई से, अहमदाबाद पहुंचा कि फ़ोन आया कि आपने एक ऑडिशन दिया था हमारे स्टूडियो में IPL के लिए, उसमें आप शॉर्ट लिस्ट हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट तो कई बार हुए, फाइनल हुए कि नहीं हुए? तो बोलता है फाइनल का सर आपके पास फ़ोन आएगा। तो भैया फ़ोन बता दे, मैं मुंबई से जोधपुर की तरफ जा रहा हूँ और वो बता रहा मुझे कल सुबह शूटिंग है। अच्छा। तो मैं कन्फ्यूज था कि शूटिंग है इसका मतलब शॉर्ट लिस्ट नहीं, फाइनल हो जी। फिर पैसा पूछता है, पैसा भी फाइनल हुआ, बार्गेनिंग जैसा होता है आम बिजनेस में, वैसे बार्गेनिंग भी हुआ। फाइनली मैं वापस मुंबई गया और सुबह सचिन तेंदुलकर के साथ शूट किया जी। वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ब्रेक था कि मुझे इस बड़े स्टार के साथ, सचिन, हरभजन, जहीर, नीता अंबानी, इन सब लोगों के साथ 4 दिन हमने शूटिंग की और मुंबई IPL का एक सॉन्ग था जीतेंगे हम, वो किया और वो एक अच्छा ब्रेक था जी। उसके बाद एड में मुझे इंटरेस्ट बढ़ गया जी। फिर इजी स्लिम टी, फलान ढमकान बहुत सारे मिलने लगे, एडवर्टीजमेंट की शूट बहुत ज्यादा किया। उसके बाद मुझे मजा आया जी। तो चरित्र रामगोपाल वर्मा की, उसमें काम मिला जी। फिर मतलब गाड़ी चल पड़ी थी। सुपर। अभी आप किसी बॉलीवुड मूवी की भी शूट रनिंग चल रही है, उसमें भी कैरेक्टर कर रहे हैं? हाँ, अभी तिग्मांशु धूलिया की फिल्म है साहब बीबी एंड गैंगस्टर, साहब बीबी और गैंगस्टर, उसमें उनकी पार्ट 1, फिर साहब बीबी गैंगस्टर रिटर्न, अभी ये साहब बीबी गैंगस्टर 3 जी। 3 में मेरा एक सीन है जो जिम्मी शेरगिल और माही गिल के साथ है जी। अच्छा मौका मिला मुझे। खुशी की बात यह है कि जब ऑडिशन दिया था तब हमें बताया नहीं था कि ऐसा कुछ उनके साथ करेंगे आप। तिग्मांशु धूलिया मिले, आपको डायलॉग याद है जी? उनका याद है सर। अच्छा चलो बोल के बताओ। अब मैं बोल के क्या बताऊँ, मेरे डायलॉग बोलने से क्या, मुझे समझ नहीं आया। बोले हाँ हाँ चलो चलो, आप जिम्मी शेरगिल के साथ काम करेंगे अभी और जिम्मी के डायलॉग मैं बोलता हूँ, आप अपने बोलिए। मैंने कहा हाँ सर ठीक है। उन्होंने जिम्मी के डायलॉग बोले, उसमें जिम्मी का डायलॉग था एक, क्या ना, अब ये काम हम देखेंगे। तो वो जिम्मी का थोड़ा ठहराव है, जैसा कैरेक्टर है ना उसका, उसके शब्दों में ठहराव है और धीरे धीरे बोलता है, तो अब ये हम देखेंगे। तो उसका एक दूसरा एक एक्टर होता है, बोलता है सर काम रुकेगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा, बस हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। उन्होंने बोला, अब मेरा डायलॉग था तो मैंने कहा बोल रही है, सामने ये सोचना नहीं है कि सामने तिग्मांशु है या जिम्मी शेरगिल, बोल दो।
और बोलने में था कि समझ के बोलना है। जैसे ही उन्होंने बोला कि रुकेगा नहीं, बस तरीका अलग होगा। अच्छा, क्या तरीका होगा जरा बताना। तो वेरी गुड, यही तो एक्टर चाहिए हमें। अरे यार, कहाँ से लाए इसको? बहुत खुश हुए वो, खुश हुए। मैंने कहा, अरे वाह, इसे इंट्रोडक्शन में खुश हो गए तो फिल्म में शूटिंग करते समय अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाएगी तो वो नकार देंगे कि नहीं नहीं अच्छा एक्टर करेगा। और मुझे बहुत मजा आया उसमें। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक एक थोड़ा पर्सनल टाइप का सा सवाल है जो कभी से जहन में आ रहा है आपको देखते हुए कि जी जी। आप शेफ संजीव कपूर साहब के जैसे दिखते हैं। ओहो। तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी पब्लिक प्लेस पे कोई आया, हेलो संजीव सर, एक सेल्फी हो जाए, ऐसा कभी? हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुझे कई लोगों ने कह दिया, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता हूँ, पब्लिक डील होती है, कस्टमर्स होते हैं, तो कई सारे लोग, क्योंकि मैं जब एक्ट करता हूँ और मुझे मॉडलिंग के लिए लोग बुलाते हैं तो मैं अपने प्रोडक्ट जो होते हैं ना उनमें अपनी ही फोटो डालता हूँ सैंपल में जी। क्योंकि मुझे लोग पैसा देके मुझे फोटो खींच रहे, तो मैं किसी और को पैसा देके क्यों फोटो लगाऊँ, अपना ही लगाता हूँ, तो लोग रिलेट करते हैं। इवन अभी मैंने एक टीवी सीरियल किया मैंने, ये उन दिनों की बात है जी। उसके लिए मुझे उन्होंने माउंट आबू बुलाया था जी। तो माउंट आबू जब बुलाया उन्होंने मुझे एक्ट करने के लिए, बोला कि आपको 1990 का कैरेक्टर करना है, कि हम सीरियल कर रहे हैं ना उस समय का है, तो डायलॉग में भी वो चीज़ है कि सदियों से लेकर आज 1990 तक मंदिर में खड़े इस पेड़ की एक विशेष मान्यता है, इस तरह से बोलना है। मैंने अपना डायलॉग बोला, इधर आओ, डायरेक्टर बोलता है, क्या हुआ सर? इधर आओ, ये देखो क्या दिख रहा है। मैंने कहा, सर बताओ क्या हुआ? अरे भाई, आशुतोष राणा लग रहे हो। मैंने कहा, हमारा बजट नहीं है आशुतोष राणा का। चलो, एक बताया उन्होंने, ऐसा अच्छे लग रहे हो जी, ठीक है, आपको ये दिखाने के लिए बोला जाइए, करिए आप करिए अपना। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना, किसी बड़े एक्टर के साथ आपको रिलेट करते हैं, तो अच्छा गुड फील होता है जी। बहुत बढ़िया सर, आपका पसंदीदा किरदार सबसे ज़्यादा कौन सा रहा है अभी तक किया उसमें? हाँ जी बिल्कुल। माफ़ी चाहूँगा कि वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, और आपको खुशी होनी चाहिए कि आप भी उस फिल्म में हैं। एक हिंदी फिल्म हमने की थी फ्रीडम जी, विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर हैं उनके, और बड़े बजट की फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, किसी कारणों से हो सकता है वो नहीं आई हो सकता है बाद में आए। उसमें मेरा एक कैरेक्टर था, और मैं कस्टम ऑफिसर हूँ, सीनियर ऑफिसर हूँ, राम सुरन नाम है मेरा। उसमें मेरा कुछ डायलॉग थे, उसमें मुझे जैसे सीनियर ऑफिसर होता है वो जिस तरह से बोलता है उसी तरह बोलना होता है, तो वो मैंने एक्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बड़े एक्टर को, वो बड़ा एक्टर थे जिनके साथ मेरा सीन था, तो मैं तो छोटा एक्टर हूँ, तो मैं उनको अपने सीन में छोटा दिखाना है तो मैं कैसे, अबे ओए चल लेट हो रहा है। वो कहता है, सर वो, अबे सर्वर नहीं कुछ, चल इसको साथ ले ले, चल गाड़ी में बैठा और चलते आगे। ऐसा मैं उसको बोलूँ मुझे लगता था मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो पता नहीं क्या होता है, माँ सरस्वती की कृपा है कि उस समय हो ही जाता है। तो वो मैंने उनके साथ किया, बड़े एनएसडीएन आर्टिस्ट थे जी जी। बहुत बढ़िया। किस तरीके के किरदार करने की इच्छा है आपकी, कि सबका ड्रीम होता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मेरे दिल की बात की आपने जी। मुझे लगता है मुझे यंग हस्बैंड के रोल का मौका मिले और उसमें वेरिएशंस हो, कभी वो दुखी है, कॉमेडी भी है, और बहुत सारे वेरिएशन हो, तो वो अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, मेरे एज को भी मैटर करती है, हालांकि मैं नहीं मानता कि फिल्म लाइन में एज का मैटर है इतना, बिकॉज हमने अमिताभ बच्चन को भी पाँव में बेटा बनते हुए देखा है, तो कोई कुछ भी कर सकता है, मतलब एज ऊपर नीचे किया जा सकता है, क्योंकि मैंने सचिन तेंदुलकर वाला एड में जो किया था वो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सीन था, कि हम बात कर रहे हैं और फिर हम नाच रहे हैं उसके साथ सचिन के साथ, तो मेरी उस समय एज 40 के आसपास थी, तो एज बढ़ाना एज घटाना फिल्म लाइन में हो सकता है जी। हाँ, ये है कि एक्ट कर लेना चाहिए उसे, ऐसा जी। आना भी चाहिए तो अच्छा लगता है, मौका मिलता है तो बड़े भाई का रोल मिल जाए या हस्बैंड का रोल मिल जाए, यंग हस्बैंड का, तो मुझे खुशी होगी जी। आप खाली समय में क्या करते हैं, आपका पास टाइम कह दीजिए या रुचि कह दीजिए? रुचि तो सही बताऊँ तो टीना जी, मेरी मेन रुचि तो बहुत दिल से एक्ट करने की है, मुझे अच्छे अच्छे मौके मिलते रहे, और मेरे पेरेंट्स का बहुत आशीर्वाद है, मेरे पिताजी माताजी का बहुत आशीर्वाद है, मेरी वाइफ का इतना दिल से सपोर्ट है,
उसने कभी रोका नहीं, अचानक से बोलना पड़ता मुझे फोन करके कि मैं अभी 6:15 बजे वाले गाड़ी से निकल रहा हूँ। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, अभी निकलना है, कल शूटिंग है सुबह। ऐसे इस तरह से करके जाता और उसका सपोर्ट होता है, चलो मैं छोड़ के आती हूँ जी, तो वो छोड़ने चलती है। बिल्कुल। तो ये मेरे को परिवार से अच्छा सपोर्ट मिलता है। और रही मेरा खास पसंद है तो एक्ट करते रहूँ और क्रिएटिव आइटम्स होते हैं जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली मैं बिजनेस कर नहीं रहा हूँ, वो बिजनेस अपने आप से हो रहा है। मुझे नेम प्लेट्स बनाना अच्छा लगता है, यूनिक यूनिक सी, बड़े डिफरेंट टाइप की। मैं अपनी कस्टमर्स को कहता हूँ कि आप मेरे पास बाजार में मिलने वाली चीज़ खरीदने मत आइए, मेरे शोरूम में ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो बाजार में मिलता हो, सब डिफरेंट डिफरेंट और यूनिक से मिलेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ आपको कुछ टिपिकल चीज़ आपने नेट पे कहीं देखी हो, किसी फिल्म में देखी हो, कहीं पे भी देखी हो, उसके लिए मेरे पास आइए, मुझे फ़ोटो दिखाइए, ऐसा बनाना है, इसमें ये चेंज करना है, वो सब चीज़ें मैं करूँगा, क्योंकि मुझे क्रिएटिव काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी रुचि है कि मैं क्रिएटिव काम करता रहूँ, मुझे अच्छे अच्छे ऐसे मौके मिलते रहे, चाहे वो फिल्म लाइन में मिले चाहे बिजनेस में मिले, मैं दोनों को करता रहना चाहूँगा। और मेरे पिताजी का सपना है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, तो वो मैं करते रहना चाहता हूँ। बहुत खूब। एक आखिरी सवाल जी, आपके अपने पसंदीदा कलाकार कौन है? पसंदीदा कलाकार एक्चुअल में क्या होता है ना, अपनी जैसी एज होती है हम उस एज लेवल को पसंद करते हैं। तो मेरे को ज़्यादातर, हालांकि किशोर कुमार पुराने एक्टर हैं लेकिन वो एवरग्रीन है, तो हमेशा ऐसा लगता है किशोर कुमार हमारे बीच जिंदा है, चाहे वो गाना गा रहे हैं, चाहे वो एक्ट कर रहे हैं, उनका म्यूजिक देख लीजिए, उनका डायरेक्शन देख लीजिए, तो किशोर कुमार ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इवन हर वक्त मैं कई बार उनका गाना गुनगुनाता रहता हूँ, उनकी पुरानी फिल्में, ब्लैक एंड वाइट फिल्में वो सब भी देखता रहता हूँ, पड़ोसन पिक्चर उनकी देखता हूँ, अच्छा लगता है उनको एक्ट करते हुए देखता। आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। किशोर कुमार मेरे पसंदीदा कलाकार हैं। बहुत खूब सर, पीआरजी की पूरी टीम की तरफ से आपको बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पे पधारे हम सभी के बीच। लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने मन की कोई बात हमारे दर्शकों से कहें, या आप कोई संदेश देना चाहें तो जरूर दें। ये भी अच्छी बात है। सबसे पहले तो पीआरजी फिल्म को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे मौका दिया कि मैं आपको कुछ अपनी तरफ से कहूँ। तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, विशेषकर नए कलाकारों को जो फिल्म लाइन से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं पब्लिक डील करता हूँ, एक शॉपकीपर हूँ, एक शोरूम चलाता हूँ, तो लोगों को पता है अड़ोस पड़ोस में, इवन अखबार में कई बार इंटरव्यू वगैरह आते हैं तो लोग मिलने आते हैं कि आप दुकान भी चला रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करते हैं, उनको थोड़ा समझाते हैं। फिर फाइनली वो मुझसे मिलने आते हैं, वो बात बाद में आती है कि सर हमें भी मौका मिल जाता थोड़ा एक्टिंग का, कहीं हमें भी तो पीछे भाला लेके खड़ा कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो मेरे को लगता है कि जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे एक्ट किया हो। एक्ट तो छोड़िए, एक साइकिल की पंचर लगाने वाला भी अगर उसको पंचर लगाना नहीं आता है, या मुझे बोल दिया जाए कि अभी साइकिल का पंचर लगाना, तो शायद मैं नहीं लगा पाऊँगा। जब तक मैं ऑब्जर्व नहीं करूँगा, मैं उसे साइकिल के पंचर लगाने वाले को देखूँगा वो कैसे पंचर लगा रहा है, तो मैं शायद कर पाऊँगा। इसी तरह हर फील्ड में, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, CA हो, सारे लोगों को पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उसके बाद वो अच्छा कर पाते हैं। मेरा भी यही मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसमें हमारे नए कलाकार अगर उससे जुड़े और ड्रामा में कुछ सीखे, तो उनको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि एक्ट वाकई है क्या, और एक्ट करने के लिए कुछ सीखना हो तो ज़्यादा बेहतर है ड्रामा। ड्रामा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लाइव शो करते हैं, डायलॉग हम लाइव बोलते हैं, कोई रीटेक नहीं है, लगातार हमें करते रहना है, महीनों, एक महीने, दो महीने तक हम कोई ड्रामा की रिहर्सल करते हैं कि कैरेक्टर की रिहर्सल करते हैं, उसके बाद हमको कई बार डायरेक्टर की डांट पड़ती है, तो हमें धीरे 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 समझ आने लगता वाकई एक्ट है क्या। एकदम से करने वाली चीज़ नहीं है, कोई ये चाहे कि मैं एकदम से हीरो बन जाऊँ, एकदम से बड़ा एक्टर बन जाऊँ, वो तो मुश्किल है। मैं भी एक साल के लिए मुंबई गया था और मुझे लगा मैं बहुत बड़ा एक्टर बन भी सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि एक साल में कुछ हो सकता है। जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, हमने सबकी जीवनी पढ़ी है, सब लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, लोगों ने 14-15 साल घुटने रगड़े हैं, बहुत मेहनत करी है, छोटे रोल, बड़े रोल, हर तरह के रोल किए। आज वो जाके जब 15 साल पूरे हो जाए, 20 साल पूरे हो जाए, तब जाके पता लगा कि ओहो, ये बड़ा एक्टर जो है इसने वहाँ से कोशिश की थी। इतना तो आज के ज़माने के बच्चों में, राजस्थानी में कहते हैं ठावस, ठावस नहीं है, धैर्य कम है। अगर धैर्य रखेंगे तो
सफलता मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। सर हमारे दर्शकों के लिए हम जरूर चाहेंगे कि आप अपने किसी भी पसंदीदा किरदार की दो लाइनें जरूर सुनाएं। जरूर जरूर। अभी हमने एक फिल्म की थी, किरायेदार नाम है फिल्म का, तो उसका एक सीन था कि एक मेरे को कैरेक्टर मिला था कि मैं एक एजेंट हूँ जो मकान किराए पे दिलाता है जी। और प्रॉपर्टी डीलर है, तो मेरा एक ऑफिस है और मैं ऐसी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, ऑफिस के पीछे लिखा हुआ है नागाज प्रॉपर्टी डीलर, नागा टूलेट सर्विस, ये सब जी। तो वो मैं करना चाहूँगा। हाँ। तो वो फ़ोन होता है उसके हाथ में, कैरेक्टर के हाथ में, नागा फ़ोन पर बात कर रहा है। इस दौरान एक फिल्म का जो हीरो है वो उसके ऑफिस में आता है किराए पर मकान मांगने के लिए, तो उसको पता नहीं है कि मेरे ऑफिस में कोई आया है, और वो उसके हाथ में एक विजिटिंग कार्ड है, तो विजिटिंग कार्ड मुझे दिखा के पूछने वाला है कि आपका है क्या। तो मेरा उसकी तरफ ध्यान नहीं है, मैं मोबाइल पे लगा हुआ हूँ। हाँ तो क्या करूँ, तो पानी की बाल्टी लेके तुम्हारे सर पे खड़ा हो जाऊँ क्या? हाँ दिलाया था मकान, तो क्या जिंदगी भर तेरी सेवा करता रहूंगा क्या? हाँ दिलाया था, हाँ वो भी मैंने किया था। अबे रख दे फोन, सिर खा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हाँ भाई साहब बोलो। हाँ ये कार्ड रास्ते में मिला था, लौटाने आए हो हैं? अच्छा, अरे अरे मैं तो आपसे इंसानों की तरह बात करने लगा, आप तो भगवान निकले जी मेरे लिए। हाँ जी बताइए, आपको कितने BHK का मकान चाहिए हैं? छोटा मोटा? हाँ कल ही ताजा आया हुआ है, 2 BHK, लेट बाथ किचन और शानदार हवादार बालकनी। हाँ और तो और पड़ोसन है सनी लियोनी जैसी है। किराया नहीं यार, नाम मात्र का किराया जी, काहे का किराया है, 9,000 रुपये महीना। हाँ ज्यादा है, क्या बात करते हो लाला, 9,000 रुपये ज्यादा है। अच्छा चलो एक और आया हुआ, 1 BHK लेट बाथ किचन। हाँ हवादार शानदार बालकनी नहीं है, हाँ पड़ोसन राखी सावन जैसी है। है ना, 7,000 रुपया? अच्छा ये भी ज्यादा है। देखो लाला बजट कितना है तुम्हारा? अच्छा उधर चलेगा भाईंदर साइड है नहीं? अरे 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 लाला जा कहा रहे हो, जा कहा रहे हो? अरे नागा टूलेट सर्विस में आए हो, ऐसे कैसे जा रहे हो? हाँ करते हैं ना, ये देखो फोन घुमाते तुम्हारे हैं ये। हाँ भाई साहब प्रणाम। हाँ भाई साहब नागा बोल रहे हैं। क्या भाई साहब भूल जाते हो भाई साहब आप तो। हाँ भाई साहब वो अपने ऊपर एक कमरा खाली है ना, है अभी तक? हाँ हाँ भाई साहब। नहीं भाई साहब अपने गांव का बच्चा आया, बड़ा सीधा साधा बोला वाला है। हाँ भाई साहब, नहीं नहीं टेंशन चिंता की कोई बात नहीं है। लो जी अभी अभी हाजिर हो जाता हूँ, ये फोन रखा और हाजिर, फोन रख के हाजिर होता हूँ सर। हाँ लो जी काम हो गया आपका, चले। इस तरह से कुछ बहुत सारे वेरिएशन से बहुत खूब। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर, हमारे दर्शकों को भी ज़रूर आपके विचार पसंद आएंगे और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये थे हमारे बीच स्टूडियो में रंगकर्मी नवीन जी बोराना। इसी तरह राजस्थान की जानी मानी हस्तियों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और उनके मन की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात। तब तक के लिए बने रहिए PRG की टीम और टीना राठौड़ के साथ। नमस्कार।